यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के पोएट्री का दूसरा लेसन, जिसका नाम है सिंपैथी, मतलब सहानुभूति। इस पोयम में दिखाया गया है कि किस प्रकार से सहानुभूति पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो इस लेसन में पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखा, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड। सारो मतलब उदास एंड डीप डिस्ट्रेस्ड मतलब अत्यंत दुखी। मैं उदास और अत्यंत दुखी था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। मेरा दुख एक अभिमानी व्यक्ति, प्राउड मतलब अभिमानी व्यक्ति, सुना। मेरे दुख को एक अभिमानी व्यक्ति सुना। ही लुक्स वर कोल्ड। उसकी दृष्टि कोल्ड मतलब उदासीन थी, उसकी दृष्टि उदासीन थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। गोल्ड से यहाँ पे मतलब है धन से। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, कहता है कभी कि किंतु उसने सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा। माय सारो पास्ट, मेरा दुख बीत गया या मेरा दुख समाप्त हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, जो धन वह मुझे दिया था मैं उसको लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। एंड स्पोक माई थैंक्स, मैं उसके सामने तन कर खड़ा हो गया और उसको धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके दान के लिए, चैरिटी मतलब दान के लिए, ब्लेस्ड मतलब उसको आशीर्वाद दिया। अगले लाइन में है, आई ले इन वांट, वांट मतलब कमी या तंगी। मैं तंगी में था एंड ग्रीफ एंड पेन, और ग्रीफ मतलब दुखी था एंड पेन मतलब कष्ट में था। मैं तंगी में था, दुखी था और कष्ट में था। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब आदमी मेरे सामने से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे भोजन दिया। पोयम में थोड़ा सा जो अर्थ होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे ब्रेड का मतलब भोजन हो जाएगा। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात दिन मेरी देखभाल की। लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ उसने मेरे लिए किया, जो कुछ उसने मेरे लिए किया मैं उसको कैसे वापस कर सकता हूँ। ओ गोल्ड इज ग्रेट, करा कि अरे धन वास्तव में महान वस्तु है। बट ग्रेटर फार इज हेवेनली सिंपैथी, किंतु धन से भी बढ़ करके हेवेनली मतलब ईश्वरीय, सिंपैथी मतलब सहानुभूति है।